खंडवा जिले के मोरटक्का में नर्मदा नदी में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। शुक्रवार को नावघाट खेड़ी में एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव में 11 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 2 लोगों की तलाश में गोताखोर और प्रशासन की रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी। मोरटक्का पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से 9 लोगों को रेस्क्यू किया। नाव में इंदौर और मोरटक्का के स्थानीय लोग सवार थे। मांदाता थाना क्षेत्र के मोरटक्का पुलिस चौकी प्रभारी अंश शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू किए गए लोग सुरक्षित हैं और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शेष लोगों की तलाश की जा रही है। SDM पुनासा और ADM खंडवा भी मौजूद हैं। खंडवा से भी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुँच गई है। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। नावघाट खेड़ी पे घाट के ऊपर खड़े हुए थे, हमारी नावें चलती यहाँ पर, और जैसे ही नाव को उस पार वाले लेके आ रहे थे, उसमें सवारी लेके थी, माता जी की चुन्नी उड़ाते हुए आ रहे थे, और वो नाव जो है पुल से टकराई, जैसे ही टकराई वैसे ही वो डूबी। जैसे ही बाबू भाई को मैंने आवाज़ दी कि बाबू भाई जोड़ो, नाव जो है डूब गई। कितने लोग थे नाव में? उसमें नाव में ये पता नहीं कितने थे, नाव डूब चुकी थी और हम लोगों ने नाव खोली, जैसे ही दौड़ के आए, दौड़ के रेलवे पुल तक में सबको हमने बचा लिया। बाकी की जो नीचे बैठ चुके हैं वो अभी तक उनका पता। अभी तक कितने लोगों को बचा? अभी तक हमने 8 जनों को बचा लिया। 8 जनों को बचा? बचा नहीं। क्या नाम है आपका? राजू केवट और बाबूलाल मंगल। समय पहले यहाँ पे जो खेड़ी घाट है मोरटक्का, और वहाँ से एक नाव चली थी, उसमें लगभग 11 लोग थे। तो बीच में आके नाव बता रहे हैं कि जो प्रत्येक दर्शी हैं उन्होंने बताया कि ये जो पुलिया है उसके पिलर से टकरा के वो पलटी है। उसमें से 9 लोगों को तो स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है और सभी स्वस्थ हैं, और जो 2 हैं वो मिस हैं अभी और उनकी तलाश जारी है। कहाँ के ये सब परिवार के अलग अलग जगह के लोग थे, कुछ बड़वा तहसील के, कुछ सनावत के, और बता रहे हैं कि वो कुछ महू के भी लोग थे। गलती सामने आई इसमें, जैसा कि आज मोरटक्का माफी सुरलाय के सोनकर समाज के लगभग 11 लोग, उन्होंने कोई मान रखी थी नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाने के लिए, ये लोग नाव में सवार हुए। और जैसा कि नर्मदा नदी में टोटल 24 पिलर हैं, ये खेड़ी घाट खंडवा की ओर से ये बैठते हैं, और नाव चलते चलते जो 9वें नंबर का पिलर है उधर से 14वां नंबर, बड़वा की ओर से 9वां नंबर, यहाँ पर आकर के अचानक जो चुनरी किसी पिलर के उससे टकरा जाती है, चुनरी फंस जाती है, और इसी का झटका लगने से नाव एकदम लहराती है, और लहराने के बाद अनबैलेंस होकर नाव डूब जाती है। इसमें करीब 11 लोग डूब गए थे, उसमें से 9 लोगों को तत्काल जो यहाँ के गोताखोर हैं बाबूलाल आपके बड़वा के, इन्होंने देखा और भी नाविक गए तो इन्होंने 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। 2 लोग मिसिंग हैं, जिसमें हिना उम्र 32 वर्ष, वाइफ ऑफ जितेश वर्मा, और जितेश के जीजाजी जितेंद्र, ये 2 लोग अभी मिसिंग हैं, जिनके लिए लगातार रेस्क्यू टीम। नाव चालक की पहचान हो गई? सर नाव पीछे जैसा सर वाहनों का फिटनेस होता है साल में एक बार, तो क्या सर नाव के कोई फिटनेस के कोई उसका जांच होती है प्रति वर्ष? बिल्कुल, नाव की भी फिटनेस की जांच होती है, और इसमें जहां जिसकी गलती है उसको हम दोबारा चेक करवा रहे हैं। जैसा कि SP खरगोन साहब, DIG खरगोन भी आए थे अभी घटनास्थल पर, उन्होंने भी ये निर्देश दिए हैं। वो क्या नाव चालक पकड़ा गया या फरार है अभी सर? जो नाव चालक था वो वहाँ से भाग गया है जैसे तैसे बचाव करके, उसको कहाँ जाएगा मिल जाएगा। नाव चालक पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। सर घायलों की क्या स्थिति है? आधार पर सर अभी एक बॉडी और मिलने की कोई सूचना मिली है या आसपास गंगा नहीं, की तरफ? नहीं, 2 मिसिंग हैं अभी, उनके लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई लगातार खोज रही है। जी जी, एक महिला है हिना और दूसरा जितेंद्र। सर जो अभी 9 लोगों को रेस्क्यू किया, इनकी कंडीशन कैसी है? सभी ठीक हैं, हल्की फुल्की जिनको चोटें आए इनको जो फर्स्ट एड दिया जा रहा है। कहना कोई शासकीय अनुदान वगैरह भी मिलेगा? ये तो तय करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये उनकी ड्यूटी है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।